हेलो दोस्तों, आरजे तेरा फिल्म्स कबीर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं और हमारे जय भाई हम एक लोकेशन पर आए हैं जो हमारे फ्रेंड ने बुलाया हमें। तो इस लोकेशन की एक इंटरेस्टिंग बात है जो सुनोगे तो आप भी शायद हैरान रह जाओगे। और जय आज भाई, तक आपने कभी मतलब हमने भी ऐसी चीज़ सुनी नहीं है। ये पहली बार हम इस लोकेशन पे आए हैं और ये जो चीज़ है एक्चुअली कबीर भाई बता ही देते हैं कि यहाँ पे ये है कि ये कहते हैं कि यहाँ पे जब खेतों में पानी की बारी लगती है और जिसको अपन खाला कहते हैं देसी भाषा में और इंग्लिश में वाटर चैनल या कुछ चैनल कुछ भी कहें जो भी टन, तो उसके अंदर पानी जब चल रहा होता है तो उन्होंने हमें ये कहा था कि ये पानी जब चलता है ना तो रात को जब लोग पानी लगाने आते हैं तो उनके मन में एक खौफ सा है। तो हमने पूछा था ये खौफ किस चीज़ का है कि वो डरते क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अंदर खींचती है पानी में और हाथ से निकल के या कोई खींचता है ना पकड़ के, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो पानी के अंदर उनको अंदर की तरफ खींचती है पानी के। और अब हम जिस टाइम पे आए हैं और अभी पानी स्टार्ट हुआ है, मैं कबीर भाई एक बार वो तो अपने फ्रंट का कैमरा जब कैमरा बैक करेंगे जब दिखाएंगे। और हमें यकीन नहीं हुआ ऐसी बात सुनकर, पर हम करते हैं, देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं करता हूँ फ्रंट का कैमरा, बैक का कैमरा ऑन कर दिया। तो ये है जो खाला जिसमें पानी अभी चल रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पानी चल रहा। तो हम इस चीज का देखते हैं कि कितनी बात यहाँ की सच है। और पता नहीं यहाँ पे, हालांकि देख लो आप, आसपास कोई भी नजर नहीं आएगा दूर तक। और भाई बोले यार कि हम तो आ नहीं सकते, ना हमारी इतनी हिम्मत, आप करते हो, आपका दिनों दिन जिस तरह का हौसला बढ़ता जा रहा है तो हमारा भी हौसला बढ़ गया कि हाँ भी चलो भी भाई को बुलाते हैं, देखते हैं। तो ये सही कभी भाई अपन जगह कम है ना चलने, कई दोस्त इस चीज को मानेंगे कई नहीं मानेंगे, फालतू की बातें होती हैं। पर अब जो जय भाई जो कहानियां बनती है ना बीती होती है, जब भी बनती है गांव वाले अफवाह अपने खेत के अंदर ही और अपने गांव में ऐसी अफवाह कोई भी नहीं उड़ाएगा क्योंकि ये उन्हीं को पानी लगाना होता है और आसपास वाले सभी जानकार होते हैं, तो ये अफवाह भी नहीं उड़ाता कोई। ये वाकई कोई बात हुई है, हकीकत है, तभी यहाँ पे ऐसी कोई इन्होंने बताई है अपन को। क्योंकि यार पता क्या है, कोई वाक्य ऐसा हुआ होता है ना इंसान जब भी ऐसा शेयर करता है, नहीं तो कौन करता है ऐसा। हाँ, और सबसे बड़ी बात रात के टाइम ये चीज वैसी थी, ज्यादा हैवी हो जाती है कि तो हमारे करने को तो विजिट हम सारे कर सकते थे, पर जस्सी भाई का थोड़ा ट्रीटमेंट की तैयारी चल रही है, आपको पता ही होगा, तो इस वजह से थोड़ा आवाज आई है ना। कबीर भाई अपन वही व्यूअर्स की बात याद रखेंगे, सब्सक्राइबर की, कि अपन को बोलना कम है और एक्टिविटीज उनको खुद को महसूस होने दें और फोकस ना एक नाले पे ज्यादा रखना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जय भाई थोड़ा आप इसके अंदर हाथ लगा सकते हो पानी के अंदर? हाँ देखना, ट्राई करके थोड़ा सेफली रखना यार भाई। ये देखो जैसे पानी के पास जा रहे हैं आवाज आ रही है ना, हाथ जाएगा नहीं ना, जाएगा नहीं। चलो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, जाएगा पानी। ये देखो
अपन आगे की तरफ ही चलें। चलते हैं भाई, थोड़ा आगे देखते हैं। दोस्तों आपको रोने की आवाज़ आई होगी, सुनाई दे होगी, अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। ये देख, ओए ये क्या है, यहाँ से आई है ना आवाज, तो मतलब कोई गुर्राता नहीं है, और गुर्राहट भी है। एक मिनट लाइट पकड़ना, डराने वाली। अरे लाइट बंद हो गई, एक मिनट दोस्तों, लाइट बंद हो गई, एक मिनट। और दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दूर तक। अब कई कई भाई बोल देते हैं, देख लो कि दूर तक कुछ भी नहीं है, पर आवाज ऐसे लग रहा है पास से आ रही है। आवाज सुनी जय भाई, भाई बहुत, और यहाँ पे कोई है नहीं, और इतनी जोर से आवाज आई थी ना वो गुर्राने की। हाय भाई आती है ना, देखती खाने की नजर रखना यहाँ पे, कि अगर कोई भी एक्टिविटी होती तो यहाँ से अपन को। ये देख सुनाई दे रही है, हाँ पानी के अंदर से आ रही है। दोस्तों ज़्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ में जो आवाज़ सुनाई देती है वो शायद दब जाती है थोड़ी। ये देख, ये हाँ ऐसी आ रही, रोने सी आवाज़ आ रही है। अरे आवाज, ये देख आसपास कोई है कि नहीं, और जो खेत है गांव के मकान वगैरह वो ढाणियां दूर दूर है, बहुत दूर है, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। दोस्तों जल्दबाजी में कैमरा लाना भूल गया, तो हमारा तो मकसद ये था यहाँ पे सिर्फ हम जगह देख के आएंगे, पर हमारे जय भाई बोले कि कबीर भाई थोड़ी सी वीडियो शूट कर लो। हाँ ऐसे लग रहा है ना कोई चल रहा है। कुत्ते जो रोते हैं ना आत्माओं को देख के, कोई एक्टिविटी करते हैं उसकी आवाज है शायद, मतलब वहां पे कुछ है तभी वहां से आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, वहां वाला ऐसे साउंड निकाल रहा है। कुत्ते इनों को ऐसी चीजें दिखती है ना जब भी रोते हैं ये,
पानी में अलग सी वेव आई थी, कैमरे में हुआ है रिकॉर्ड? हाँ भाई हाँ, पानी ऐसे लग रहा है यार कोई जैसे इसके अंदर से निकला हो। हाँ, उसने देख के वापिस डुबकी मार ली। एक बार भाई वहां पे दोबारा देख लेते हैं, पकड़ूंगा कभी भाई। नहीं 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 कोई, वैसे एक बात है भाई, रात को वीडियो शूट करना। रात को टाइम और जंगल, एक तरह से खेतों में भी यहाँ पे जानवर वगैरह तो बहुत होते ही हैं, ये सांप हो गया, गोयरा हो गया और ये सब चीजें, तो करके ना दिक्कत तो वैसे भी पड़ जाती है। ध्यान से ये क्या था भाई? वो देखो लहर जा रही, जैसे लग रहा है ना चल रहा है कोई। कोई ये देख ये देख ये देख, भाई यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ है यार। पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। देखो कुत्ते भी भौंकने स्टार्ट हो गए। वो देखो भाई ओ ये क्या है? क्या क्या जा रही है, क्या है? वो भी पता नहीं क्या चीज समझ है। नहीं आ रहा यार, ये ना भाग भी कितनी तेज रहा है, जानवर भी नहीं लग रहा। यार क्या थी वो अजीब सी चीज ना? वो समझ नहीं आता मेरे को, चल क्या रहा था। अपने ने जिस तरीके का सोचा था ना, यहां से ये खाना सा नहीं लगता, काई जमी हुई है ये, ध्यान से रखना यार जय भाई। बिल्कुल काई जमी है ना ये सारी। दोस्तों लगभग हमें यहाँ पे टाइम बिताते को 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों पहले जब हम यहाँ पे थे तब पानी स्टार्ट नहीं होता, पानी भी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी, क्योंकि उन्होंने आज शायद पानी का स्टार्टिंग थी ना। हाँ, आज पानी की बारी थी, शुरुआत थी आज मौके की। चले भाई कबीर भाई, चलते हैं भाई आगे। ना यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह भी होते हैं, ऐसी जगहों पे तो भाई नॉर्मल बात है, ये सांप वो बिच्छू वगैरह। छोटे छोटे से बिल होते हैं ना, इनके अंदर ही उनके रहते हैं, तो एक जगह उनका भी रहता है। उई। अजीब सी आवाज थी ना। आज भी समझ नहीं आई किसकी थी, ये शोरूम में कुत्ते की नहीं थी। रिकॉर्ड हुई थी ना ये सब, ये आवाज रिकॉर्ड हुई है ना, आप हाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा।
जय भाई आप पकड़ोगे? दोस्तों मैंने जय भाई के हाथ में दिया है, तो लोकेशन बहुत ही खतरनाक है जहाँ तक हमें लगा है कि नहीं जय भाई? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा। अब कई भाई बोल देते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, या दोस्तों पता है क्या, ऐसी लोकेशन पर जाने के बाद ही पता लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। अब कई भाई बुरा मान लेंगे तो उसके लिए हाथ जोड़ कर सॉरी है, क्योंकि घर बैठ के कई भाई बोल देते हैं, गलत भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भाई जाने से ही कहीं जाके अपने कुछ करते हैं तभी पता लगता है उस चीज़ के बारे में। ऐसे किसी को नहीं पता लगता कि हाँ भी यहाँ पर ऐसा कुछ है। हम सिर्फ, हमारा तो ये मकसद था चल लोकेशन देख कर आते हैं, तो हमारे भाई ने इसीलिए तो बोला था, कहते हैं कोई बात नहीं कबीर भाई, अपने थोड़ा सा वीडियो का व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं अगर भाइयों को दोबारा पसंद आई तो दोबारा जरूर बनाएंगे। भाई बार बार ना फोकस आउट हो रहा है कबीर भाई। फोकस आउट हो रहा हाँ है यार, ऐसे पता है जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना तो ऑटोमेटिकली मैं सही बता रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ था। मैंने कैमरा यूं घुमाया था ना तब हुआ था फोकस आउट, और अब नहीं हो रहा। बीच में हुआ इससे पहले, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थोड़ा ना कैमरा दूर रखो, लाइट आगे रखो। हाँ तो भाई सिर्फ 1 मिनट के लिए हुए, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं, कोई 10-20 सेकंड के लिए बस। अभी भी हो रहा है? नहीं अब नहीं हो रहा, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए हुआ था। तो चले थोड़ा सा आगे। हाँ भाई, लोकेशन पर आकर कुछ फील हुआ आपको? भाई, आ रही है ना आवाज? है ना, ये देख ऐसे लग रहा है ना कोई बोल रहा है। हाँ तो दोस्तों हम इस लोकेशन से बाहर निकल कर बात करते हैं, थोड़ा गिर विर ना जाए, तो थोड़ा सा चलते हैं लोकेशन से बाहर, फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं, तो जय भाई एक बार चलो ऑफ कर भाई। दो, आगे चलते हैं फिर हम्म, अपने। तो दोस्तों बताना ज़रूर लोकेशन आपको कैसी लगी, तो हमें तो कई बहुत डर लगा है यहाँ पे अब यार, और एक्टिविटीज भी। काफ़ी हमें हाँ महसूस हुई है और आवाज़ें भी काफ़ी सुनाई दी है, तो यहाँ पर दोबारा ज़रूर विज़िट करेंगे और अब यार हो सका तो पूरी टीम के साथ करेंगे और कैमरे के साथ करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि लोकेशन कैसी है, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखे, दुआ करते रहे हमारे लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सबको दिल से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम है, तो ऐसे प्यार बनाए रखना हमेशा।